Chino, 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 chino. Le, chino, chino. Da, 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 aja, da. तो सुबह सुबह हम अपनी लक्ष्मी को रोटी खिलाएंगे, है लक्ष्मी? ये है रोटी. और इसमें और रोटियां भी हैं जो हम लक्ष्मी की मम्मी को खिलाएंगे. तो दोस्तों, सर्दियों के दिन आ गए हैं, इसीलिए मैंने गौशाला की लिपाई के लिए यहाँ पे जो है कि गर्म पानी करने के लिए रख दिया है. तो हेलो दोस्तों, पहाड़ी लाइफ स्टाइल के एक और नए व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है. लास्ट वाले मिनी व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आने वाले कल यानी कि आज 24 नवंबर को जो है कि हमारे प्रेम चाचा की सबसे बड़ी वाली लड़की साक्षी का जो है कि मतलब सगाई होने वाली है. तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ. तो आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा पहाड़ी सगाई. अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरे गांव में तो पूरी धूप आ चुकी है, लेकिन मलुंड गांव में अभी धूप नहीं आई है. आधा गांव में आई है, इस वाली साइड नहीं आई है. तो देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी शुभ कार्यक्रम को शुरू होने से पहले गांव के पुरुषों को मेहमानों के लिए खाना बनाना पड़ता है. तो पितृ देवताओं को साक्षी मानकर और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद भाई कुलदीप और बहन साक्षी की एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है. और इसी के साथ बिना पंखों वाली परियों का फोटो खींचने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं माँ भगवती के दर्शन करने. जो नए नवेले जोड़े हैं उनको पहले पहले माँ भगवती के दर्शन कराएंगे और उसके बाद जो है कि उनकी जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी. एक जोड़ी जाती हुई और एक जोड़ी देखिए यहाँ पीछे पीछे, ये देखिए पापा की परियां जो है कि रील्स बना रही हैं. आपको बता दूं कि आने वाले 2 दिसंबर को माँ भूंखाल भगवती का भव्य मेला लगने वाला है. जी हाँ दोस्तों, इसी के लिए माँ भूंखाल भगवती के मंदिर को सजाया जा रहा है. अभी कुछ टाइम पहले ही माँ भूंखाल भगवती के मंदिर के गेट के ठीक आगे ये टीन सेट लगाया गया है जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा है.
राज राजे जागे त्रीन दिवे दातु के शब्द बाजे हिरो शब्द में जोग महावाई निशाई सब जोग महावाई किलकार वारी देतु के दल में हे रक्त छाई रो शुद्ध दो देत मारी तब जोग महावाई निशाई तो माँ भूंखाल भगवती के दर्शन करने के बाद हम लोग जाते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने। जी हाँ दोस्तों, माँ भगवती के मंदिर के ठीक ऊपर बाबा भोलेनाथ का मंदिर बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, बिना पंखों वाली परियों का जो है कि रील्स बनाने का सिलसिला लगातार जारी रहता है और होना भी चाहिए। अगर ये लोग रील्स नहीं बनाएंगे तो इंस्टाग्राम कैसे चलने वाला है। तो दोस्तों, पहाड़ी लाइफस्टाइल के छोटे छोटे मिनी ब्लॉग देखने के लिए आप हमारे कुलदीप यू के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा मिनी व्लॉग पसंद आया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइए।